Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamulam Guru Murti, Pujamulam Guru Padam. Mantramulam Guru Vakyam, Mokshamulam Guru Krupa, Akhanda Mandala Karam, Vyaptam Yena Chara Charam, Tatpadam Dakshitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tvameva Mata Shapita Tvameva, Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva, Tvameva Vidyascha Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva, Brahmanandam Paramasukadam, Kevalam Jnanamurtim, Dvandvatitam Gagana Sadrusham, Tattvamastyadilaksham, Ekam Nityam Vimalam Achalam, Sarvadhi Sakshibhutam, Bhavatitam Trigunarahitam, Sadgurum Tam Namami, Shri Sadgurum Tam Namami, Jai Sadgurum Tam Namami. Jinke Hriday Gurudev Base, Jinke Hriday Gurudev Base, Aur To Naam Liya Na Liya, Jinke Hriday Guru De, Guru Om Hari Om, Hari Om Guru Om, Guru Om Hari Om, Hari Om Guru. Sadgurudev Maharaj Ki Jai. Gopal Krishna Maharaj Ki Jai. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, to Vedon se nikla, Shatra se suna kaya hai. अध्यक्ष ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि निर्माण की वही गुरु के रूप में हमारे हम पधारे, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में सात्विक सृष्टि अच्छाई की द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस क्रिएटेड. जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई वैसे हमारे भीतर गुरु विष्णु, जैसे विष्णु भगवान सृष्टि को धारण किए हैं अपनी शक्ति से, अपने संकल्प से, ऐसे ही गुरुदेव ने नॉट ओनली हमारे भीतर अच्छाई का प्रकाश किया कि उसको पकड़े रखा है. जब भी हम गुरु के चरणों में गए, गुरु की शरण में हुए, गुरु का नाम लिया, गुरु का भजन किया, गुरु के दर्शन करे, उनका संस्पर्शन हुआ, मंत्र दीक्षा, तो उस समय शक्ति का उभार हुआ, पकड़ के रखा. हम सभी का अनुभव है जो बैठे हो. और गुरु देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंभ सदाशिव कंट्रोलर है सृष्टि के, संहारक नहीं, नाशक नहीं, विनाशकारी भगवान नहीं, कंट्रोलर. ही हैज द पावर टू कंट्रोल व्हाट मस्ट बी कंट्रोल टू द एक्सटेंट दैट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड नो मोर, है ना. ऐसे ही गुरुदेव में वही शिव जी मानो हमारे जीवन में हमारी राजसिकता को, हमारी तामसिकता को कंट्रोल करने में जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी मात्रा में रखने के लिए
राज सीखता है, ड्राइव करके इधर उधर जाए, ढोल बजाए, वो गाना नाचे, मिठाई खाए, संवत्सर मनाए, बट दिस इज गुड राजसिकता, सात्विक राजसिकता है, आवश्यक है हमारे वृद्धि के लिए। किंतु अभी ढोल ही बजाते रहे, मिठाई खाते रहे, इधर उधर जान इधर की बातें शुरू हो गई, तो देन दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड। वही राजसिकता को ना किस पर कि संतुलन कराना होगा। तो वही शिव जी मानो हमारे जीवन में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और ये सारी सृष्टि इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, द फाइनल ट्रूथ, पूर्ण पर ब्रह्म जिनसे उत्पन्न हुआ, वही मानो मेरे जीवन में। व्हाट इज इन द मैक्रो कॉजम, व्हाट इज इन द यूनिवर्स, द यूनिवर्सल ट्रूथ, द प्रिंसिपल एज इफ हैज अराइव्ड इन माय ओन हार्ट, है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उपनिषदों ने कहा जैसे ब्रह्मांड में वैसे ही मेरे हृदय में है, और जो मेरे मन में है ऐसा ही संसार में भी चल रहा है। तो सारे संसार का नियंत्रण करने वाला पर ब्रह्म, आई हैव गॉट माई पर्सनल पर ब्रह्म इन द फॉर्म ऑफ माई गुरु, कैसा सौभाग्य है। थिंक अबाउट इट, गिव इट सम अटेंशन। वो तो कहीं होगा आग का धुए का गोला, पता नहीं भगवान सफेद दाढ़ी ऊपर बैठा, नौवे नाइन्थ क्लाउड पे, सेवन्थ क्लाउड पे, किसको पता, कोई कहे इस क्लाउड पे, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, बट आई हैव रिसीव्ड हिम और हर इन ए पर्सनल फॉर्म ऑफ माई वेरी ओन, पर्सनल रिलेशनशिप हो गई गुरु के साथ। जब शरण लिया, स्वीकार किया गुरु शिष्यत्व, तो पर्सनल रिलेशनशिप हुई, पराये नहीं रहे, अपने हो गए, राइट, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट गुरु, राइट। सो कैसा सौभाग्य है जिसके जीवन में गुरु है, कि गॉड हैज कम इन द फॉर्म ऑफ योर पर्सनल सखा, सुहृद, मित्र, गाइड। से बहुत सौभाग्य है, इसकी कदर हो, इसकी कीमत हो, इसकी याद रहे, इसकी अवेयरनेस रहे हर क्षण। इसलिए उस भाव में भगत ने कहा, जिनके हृदय गुरुदेव बसे, और तो नाम लिया न लिया, क्योंकि उनके एक रूप में मैंने फिर कंबाइन कर लिया, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, संपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा, आई हैव माई पर्सनल गॉड विथ मी, गुरु के चरणों में जो है सब, है ना। तो हमेशा वही परम सत्य हमारे जीवन में पधारा है। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मन में कहीं बुद्धि में खोपड़ी में कहीं से अकल आई कि किसी महापुरुष के शरण में जाए, कहीं तो झुके भैया, झुकना तो पड़ेगा, झुकाए जाएंगे, तो जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी अकल से जो झुके, झुक सके, विनम्र हो सके, हम्बल हो सके, ह्यूमिलिटी धारण कर सके, इतना मान सके, इतना ओपन माइंड रख सके कि मेरे से बड़ा कोई है, मेरे से अकल वाला कोई है, मेरे से ज्यादा कोई समझता है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, गुणी, ज्ञानी, प्रेमी, फॉरगिविंग, क्षमाशील, मेरे से कोई है, तो क्यों ना उसके जैसा मैं बनू। तो उसकी ओर जब हम चलते जाए, है ना, चरती चरे वेति वेदों में आया, चलते रहो, आगे चलते रहो, चलना के लिए संस्कृत में चर कहते हैं। तो ऐसे की ओर चल पड़े जो अपने आचरण द्वारा, आचरण आचरण कहते हैं, गुरुदेव को आचरण, जो अपने आचरण से हमें अट्रैक्ट कर ले, हमें आकर्षित कर ले, हमारा मन हो जाए प्रभावित कि इनकी ओर जाए, इनकी ओर देखे, इनके जैसा बन पाए, इनसे सीख पाए, ये जो कह रहे ये ठीक लग रहा है, कैसे ठीक लग रहा है पता है, हृदय में बड़ा लग रहा है ना, नोबडी नीड्स टू टेल मी दिस इज राइट और रॉन्ग, आई कैन फील इट, आई कैन एक्सपीरियंस इट, तो वो पर्याप्त है, आई डू नॉट नीड एनीवन एल्स टू टेल मी एनीथिंग एल्स बिकॉज आई फील इट। जो हम जाए कुछ देखे सुने खाए उसका विवरण करे उसका साइंस समझे उसके बाद फिर जो कुछ अनुभव हो समाधान हो वो अगर सीधा अनुभव मिल रहा है ना कुछ किए बिना तो अनुभव की तो कीमत है ना सबसे सब सब कुछ अनुभव के वेकेशन पे जाते हैं तो वे एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं ना खाली वो जगह पत्थर पे बैठने के लिए नहीं जाते समुद्र में गीला होने के लिए नहीं जाते उस सब के बाद जो अनुभव होता है शांति का जो भी उसके लिए जाते हैं अनुभव के लिए वो अपना नींद अपने वालों के साथ ले जाते कि उसके आनंद का अनुभव मैं ले रहा हूँ बच्चों के पत्नी के पति के सब अनुभव 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 के लिए जो भी कर रहे तो यहाँ पर डायरेक्ट अनुभव देने वाले जीवन में आ गए एफर्टलेस है ना बड़ी फैशन बात है जब गुरु के शरण में जाए गुरु को माने बड़ा बुद्धिमान क्योंकि सबसे एफिशिएंट ये एफिशिएंसी का जमाना है ना
car efficient, work from home efficient, everything efficient, energy efficient, everything efficient, efficient, efficient. I tell my kids that when they grow up, that efficiency will be the currency. Whoever is more efficient is richer. और जो efficient नहीं हो पाएगा वो गरीब रह जाएगा. तो this is the most efficient path. The final summum bonum, जिसे कहते हैं Latin में, is the greatest good, the best that can be achieved in this life. सीधा कोई दे रहा है सामने से. तो इसमें टिके रहे, कहीं शक हो मन में, संशय हो, तो इसको थोड़ा किनारे रखते हैं. अब तो ये तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, शास्त्र में गरिमा अनिमा पूर्णिमा के पीछे लग जाए. और उसमें भी कैसी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा. गुरु का अर्थ संस्कृत में बड़ा, सबसे बड़ा, बिग है ना. जुपिटर प्लैनेट सोलर सिस्टम में दैट इज द बिगेस्ट प्लैनेट, और उसको संस्कृत में गुरु कहते हैं. गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटी को हमने सुना है मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में गुरुत्वाकर्षण शक्ति. गुरुत्व आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन टुवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? ग्रेविटी फिजिक्स में, साइंस में है. अ बिगर बॉडी अट्रैक्ट अ स्मॉलर बॉडी, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. इफ यू लर्न फिजिक्स, इफ यू स्टडी फिजिक्स, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, बट द बिगर वन, जो बड़ा है, उसकी शक्ति ज्यादा है, इसलिए वो छोटे को अपनी ओर खींच ले. फिर चंद्रमा को पकड़ के रखा पृथ्वी मां ने अपने, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है चंद्र से, तो पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है. पृथ्वी को पकड़ रखा सूर्य ने, क्योंकि उससे वो बड़ा है, तो सबके ग्रेविटेशनल फोर्स है. ऐसे ही हमसे जो बड़ी है, हमसे जो बड़े है, उनकी ओर हमारा आकर्षण हो. गुरुत्व आकर्षण शक्ति, तो शक्ति हमारी नहीं है, है ना? आकर्षित तो हम हुए, हमारा सौभाग्य है ये तो हमारा, दिस इज योर गुड फॉर्चून. लेकिन शक्ति उनकी गुरु की है ना, ये कभी ना भूले. अपनी शक्ति से नहीं, हम की, हम तो छोटे हैं, छोटे की शक्ति नहीं होती, शक्ति तो बड़े की होती है गुरुत्वाकर्षण प्रिंसिपल से. तो फिर इस बहाना से विनम्र है हमेशा, अपने को छोटा जो है तो छोटा माने, तभी तो पानी बह पाएगा ऊपर से नीचे, है ना? नीचे वाला अगर अपने को नीचे माने तो फिर कृपा बरस पाएगी. तो अणिमा गरिमा जो सिद्धियां आती है वर्णन में शास्त्रों में, गरिमा मतलब बहुत बड़ा हो पाए, है ना? हनुमान जी के प्रति अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना? जो तो देने वाले थे, खाली खाली उनके पास ही नहीं, वो देने वाले है हनुमान जी, है ना? तो गरिमा मतलब जितना बड़ा होना है, वो ले गया पहाड़ लक्ष्मण जी के लिए, तो इतना बड़ा बनेंगे कि पहाड़ वैसे हाथ पे रख दिया, है ना? और अणिमा सिद्धि मतलब अणु जैसा, छोटा सा एटम जैसा. लंका में गए वो, मार के समुद्र लांग के, तो छोटे से बन गए, वो लंकिनी पर कर रही थी, तो छोटे से बन के उसके पैरों में से निकल गए. तो अणिमा सिद्धि भी है और गरिमा सिद्धि भी है. ये सारी सिद्धियां तो ठीक है योगियों के लिए, सिद्धों के लिए, लेकिन गरिमा अणिमा से हमारे लिए पूर्णिमा है ना, जो, और उसमें भी सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा. क्यों पूर्णिमा? चंद्रमा कैसे पूर्ण होता है उस दिन, है ना? कम्प्लीट सौम्यत्व, अपना रस बरसा रहा है पूर्णिमा के दिन. कल देखा होगा रात को आसमान में कितना सुंदर चंद्रमा था, है ना? बादल भी थे लेकिन बीच बीच में बहुत सुंदर दर्शन भी हुए चंद्रमा के, आज भी होंगे. सो इस भावना से जो हमने श्लोक कहे प्रारंभ में, गुरु की स्तुति सुमनों में उनमें से दो है वो जो गुरु गीता नामक ग्रंथ है उसमें आते हैं, ना? तो ये कुछ तो वेदों से है, और स्कंद पुराण, एक बार यहाँ पर कथा हुई थी, इसी में बात हुई थी. स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, 84,000 श्लोक का पुराण. स्कंद सेनापति शिवजी पार्वती जी के प्रथम पुत्र ने कही हुई वार्ता, उसमें वो कहते मेरे पिता ने मेरे माता से ऐसा ऐसा कहा, मैंने चुपके से सुन लिया, है ना? वो उस समय से देर इज वन सेक्शन जहां जहां पर भी शिव जी का कहना कुछ आता है, तो उसमें उसे शिव गीता कहते हैं. शिव गीता आती है स्कंद पुराण में. शिव गीता में से तीन अध्याय है उसे गुरु गीता कहते हैं. जो हम लोग सभी लोग गुरु गीता एक ही है ना, कोई भी गुरु हो, हम जो भी गुरु, जहां भी गुरु गीता एक ही है, अलग अलग गुरु गीताएं नहीं है ना? तो वो गुरु गीता शिव गीता जो तीन अध्याय उनमें से, उसके तीन अध्याय है. दूसरे अध्याय के पहले दो श्लोक जो है वो हमने अभी स्तुति समनों में सबने मिलकर गाए, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तम दर्शम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम, जो अभी जो कह रहे थे सब मिलके कह रहे थे वो. उस
वो दो श्लोकों के होते सब ज्यादातर लोग जानते हैं, कहते भी है उसकी, और अगर ध्यान दे उसको समझ ले, जैसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, है ना, दो मिनट लेकर उसको समझ ले तो सारे अखंड मंडल, द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर कॉस्मिक एग ब्रह्मांड में, एनीवेयर एनीथिंग दैट इज अखंड, मतलब टूटा हुआ फ्रेगमेंट नहीं, सिंगुलर यूनिफॉर्म होमोजीनियस वन, है ना, कंप्लीट कंटिन्यूअस एवरीवेयर एनीवेयर, खाली इस बेसमेंट में नहीं, इस मोहल्ले में नहीं, इस देश में नहीं, इस ग्रह पर नहीं, हमारी एनीवेयर दैट आवर ब्रेन कैन इमेजिन, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जिसने व्याप रखा है, द वन हु परवेज एवरीथिंग इन इन ऑल ऑफ इट, यानी एक जो तत्व है, एक जो सत्य है, एक जो परमात्मा का अस्तित्व है, एक जो आत्मा हम सब में है, जैसे महासागर में समुद्र भर में एक ही पानी है सब, है ना, वो किसी सऊदी अरेबिया का बीच हो या बहामास का बीच हो या फ्लोरिडा का बीच हो, द वाटर इज द सेम, एक सब जगह पे है समुद्र में, ऐसे ही जो एक तत्व एक परमात्मा व्याप्तम ये न चर अचरम, चराचरम चलने, मूविंग एंड नॉन मूविंग, लिविंग एंड डेड, एनिमेट इनएनिमेट, दैट विच कैन बी सीन और कैन नॉट बी सीन, इन इट इन ऑल ऑफ इट द वन कॉमन एलिमेंट, जो सब में सेम है, चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न, उसकी ओर दर्शाने वाले, उसकी दिशा देने वाले, उसकी ओर दिखा, उसको समझाने वाले, उसकी प्राप्ति करा देने वाले, तस्मय श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को, ऐसे गुरु भगवान को, उनकी कृपा से वो जो ध्यान में आया कि ओ माय गॉड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मैं जो अपने आप को शरीर मानती थी, अपने आप को छोटी बूढ़ी बड़ी मानती थी, अपने आप को पुरुष मानते थे, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, स्त्री ऐसी कोई वीक है कोई, ये तो बहुत ज्ञान की बात है, ऊपर ऊपर के कोष को खाली शरीर को मैं मान के बुद्ध बन गए, बुद्ध रह गए, है ना, तो बुद्ध जिन्होंने नहीं रहने दिया अपने आप के आत्म स्वरूप को, द सेम कॉमन इन एवरी वन, द वन दैट इज इन ऑल, नॉट टुकड़ा इसमें भी उसका टुकड़ा, उसका टुकड़ा इसका टुकड़ा, ओनली वन, जैसे भगवदगीता में माला का उदाहरण देते भगवान, माला जो पहनते तो उसके अंदर जो धागा होता है, मणि तो अलग अलग है लेकिन उसके सब सब मणि के अंदर का धागा तो एक है ना, सबको पकड़ के रखा है, हर मणि में माला की, ऐसे हमारे बीच में जो आत्मा है वो एक आत्मा है, हर मणि को अपना टुकड़ा टुकड़ा नहीं मिला धागे का, है ना, एक सिंगल थ्रेड, ऐसे ही हमें, हमको टुकड़े टुकड़े नहीं मिले आत्मा के, हम सब में से एक सिंगल आत्मा है, उसको दर्शाने वाली गुरु, तत्मय श्री गुरु वे नमः, तो आगे भी उसका गुरु गीता में वर्णन आता है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन सद आकाश आसमान, उसमें आसमान में ये द्वंद्व नहीं है कि यार ये तो बुरा आदमी है इसको मैं जगह नहीं दे पाऊंगा, है ना, तुम किसी दूसरे आसमान में चले जाओ गुड हो, तो फिर ये बड़ा संत है इसको इसके लिए मैं थोड़ा एक्सपैंड हो जाऊंगा स्पेस, ऐसे आसमान में ये भेदभाव नहीं है, स्पेस में है ना, गंदगी अच्छाई बुराई ऐसा कुछ नहीं है, सब के लिए सेम, आज स्पेस जो है ना, लाइक द स्पेस प्रिंसिपल इज द सेम फॉर एवरीवन, इट कंटिन्यूज टू अकोमोडेट, घर भी दीवार भी रखते फिर भी स्पेस इज ऑलवेज इट टेक्स एवरीवन, ऐसे ही गुरु जो हम गए तो उनको कहाँ पता था हम कितनी कितनी चापलूसी करी है, बदमाशी करी है ना, हम अपने अपनी जानते हैं सभी, उन्होंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पूछा कि अरे चलो क्वालिफिकेशन लिखो इतना हो तो फिर यू आर एडमिटेड सोनपत में या सत्संग में बैठने तो भगा दो, ऐसा नहीं किया, या तो जो अच्छे अच्छे थे उनको चुन चुन के या बुरो बुरों को भगा के, ऐसा तो नहीं था, ईर्ष्या नहीं है, भाई ये मेरे वाले दूसरे वाले ऐसा ऐसा अपने धर्म वाले उनके धर्म वाले, इंक्लूसिव है, कंबाइनिंग यूनिफाइंग है एवरीवन, तत्व को दर्शाने वाले, सो वह द्वंद्व अतीतम उसके अतीत गए हुए द्वंद्व के ड्यूअलिटीज के, अच्छा बुरा छोटा बड़ा मेरा तेरा है ना, तेरा मेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया, एक है जो बच पाया उसे गुरु कहते हैं उसकी, क्योंकि वो उसके अतीत चले गए उसके आगे निकल गए, able to see everything at the time, ना? द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, इसलिए आसमान की इसकी कल्पना करी, व्याप्त है, उनके हृदय में सब समा सकते हैं,
इतना नहीं कि इतनों के लिए जगह है, मेरे वालों के लिए जगह है, भारत में जन्मे हो तो ही उनके लिए जगह है, हिंदी बोलते हो तो ही जगह है, अथवा अंग्रेजी वालों के लिए जगह है, पैसे वाले हो तो ही जगह है, नहीं हम तो गरीब, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए जगह है, क्योंकि उनके पास जगह की कोई कमी नहीं है, उनके हृदय में जगह की कोई कमी नहीं है, जैसे आकाश में कमी नहीं है स्पेस की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूयॉर्क जैसी बिल्डिंगे बनाओ और कोई इजिप्ट के पिरामिड बना लो, तो करना कर लो, कोई नो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ऐसे ही गुरु इसलिए उन्हें आसमान की कल्पना दी, गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षम, तत्वम असि यह उपनिषदों में महावाक्य नाम से कहा जाता है, इसके विषय में भी चर्चा हो चुकी है ना, वी आर टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट भगवद गीता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुरु पूर्णिमा, क्योंकि इनमें भेदभाव नहीं है, ये दोनों ग्रंथ दोनों शास्त्र गुरु और भगवान एक है ना, तो ये जो कहते हैं जो बताते हैं ये जो शास्त्र है इनके वचन जो है इनकी सीख जो है वो अलग कैसे हो सकती है ना, गुरु और भगवान अगर एक है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रूथ अबाउट द सेम प्रिंसिपल मे बी इन डिफरेंट वेज। सो ये भगवदगीता जो मेरे सामने यहाँ पर है उपनिषद से आइए हमने सुना इसके विषय में, उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है ना, हम लोग हमेशा इसके बात कहते हैं, उन उपनिषदों में महावाक्य आते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ महावाक्य मतलब द बिग बोल्ड स्टेटमेंट, महावाक्य मतलब कोई कुछ पेपर लिखे रिसर्च पेपर लिखे एग्जैक्टली समझ के तो फिर जिस मेन बात है उसको बड़े बोल्ड में रेड फॉन्ट में अंडरलाइन करके कुछ न कुछ करके सामने लग, प्लीज सी दिस दिस इज द मेन पॉइंट है ना, यू डोंट वांट टू मिस दैट। ऐसे ही उपनिषदों में भी है उसे महावाक्य कहते हैं, कई है पांच छह है, उनमें से मेन बात है तत्वम असि, सुना होगा तत् दैट त्वम यू असि आर यू आर दैट तुम वही हो, तत्वमसि का अर्थ होता है। तो हमने जो गुरु के स्थान में अभी कहा दंडवातीतम गगन सदृशम तत्वमसि आदि लक्षण तत्वमसि आदि लक्षणम, हमें सिखाने वाले सत्संग के द्वारा उनके भजनों के द्वारा उनके आचरण के द्वारा रोल मॉडल के द्वारा बाय एग्जांपल शोइंग दैट जो परमात्मा वो हमें ही है ना, हम उनके साथ जुड़े हुए भगवान के साथ अलग नहीं है, कहीं वो है हम इधर कहीं और फिर कुछ न कुछ उठपटांग करके उल्टे टंग के चंप मार के कुछ न कुछ करके एक दिन पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी इस वक्त है इस सब इस जगह पे है और हर एक में है, राइट राइट नाउ राइट हियर इन एवरीवन, दैट्स तत्वमसि। तो ये लक्षण बताने वाले समझाने वाले दिखाने वाले गुरुदेव चाहे हो ऐसा गुरु टाइम Today, I will maybe just briefly touch on Gita, गीता के नाते भी आए हैं तो ऐसी ही बातें भगवान ने भी कही है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने द लॉर्ड ऑफ लव माई बिलवड वंदे कृष्णम जगत गुरुम न बद वे, कृष्ण भगवान के लिए शास्त्र में आया गुरुर गरियान महतो महियान, भगवद गीता में भी आता है गुरुओं के गुरु योगेश्वरेश्वर उनका नाम है, योग करने वाले योगी और योगियों के ईश्वर शिवजी योगेश्वर दे, और शिवजी जिनको अपना आराध्य माने इष्ट माने तो योगेश्वरेश्वर ऐसा भागवत पुराण में उनके लिए संबोधन होता है, तो उनके लिए कहते गुरुर गरियान महतो महियान, ये गुरुओं के गुरु, गुरु जिनसे गुरु बने, गुरु ने जिनका ज्ञान लेकर गुरु बने, गुरु जिनको अपना गुरु मानते हैं है ना, और महिर महतो और महिरयान बड़ों में बड़ा जो है द बिगेस्ट ऑफ ऑल, वो भगवान कृष्ण भी गुरु की महत्ता कह रहे, भगवद गीता में भी कहते हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना, इट विल बी अ व्हाइल बिफोर वी गेट टू द 13th चैप्टर व्हेन वी गेट टू इन इट, जो लक्षण बताया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ज्ञान का योग अध्याय है, उससे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता दे कि यू आर द ऑब्जर्वर, यू द पर्सन इज नॉट द वुमन, स्त्री नहीं हो पुरुष नहीं हो बूढ़े नहीं हो बच्चे नहीं हो, तुम खाली ऑब्जर्वर हो विटनेस हो साक्षी जो का त्यो, नथिंग हैपन्स टू यू, वट एवर यू आर विटनेसिंग वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑलवेज हमेशा बदलता रहेगा इंक्लूडिंग शरीर, अपने शरीर को हम देखते हैं ना तो फिर हम देखने वाले हो गए, अगर मैं ये तो हाथ बूढ़ा हो जाएगा एक दिन वाल गिर जाएगा सारा शरीर टूट जाएगा है ना, लेकिन देखने वाला जैसा का वैसा रहेगा। तो उस अध्याय में इस विषय में है इसके लक्षण जो कहते हैं सात्विक ज्ञान, इसके लक्षणों में एक लक्षण भगवान ने कहा आचार्य उपासना,
अपने गुरु की उपासना करे, उप आसना, गुरु उप आसन और उप बाजू में बैठे, उनकी बातों को सुने, जैसे हम सत्संग में उनके सामने बैठे है ना, अथवा टीवी पे सत्संग चल रहा है तो उनके आगे बैठे हैं, तो उस ये हो गया उपासना, उनके नजदीक बैठना, खाली शरीर से नहीं, प्रयास पूर्वक मन से भी बुद्धि से भी अपने आप को विनम्र करके, ओपन माइंड करके, अपने बड़े ऑफिसर बन के नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, अपना तर्क लेकर के नहीं, साइंस लेकर के नहीं, बहुत साइंस वाले और भी है, हम जितना साइंस जानते हैं उससे बहुत साइंस जानने वाले हैं, तो उसको थोड़ा समय बाजू रख करके उनके सीधे साधे भोले वाले विनम्र भाव से बैठ करके उपासना, आचार्य उपासनम शौचम आत्म विनिग्रह भगवान कहते हैं उस 13वें अध्याय में, कि उनके सामने बैठकर शुद्ध भाव से, शौच शुचि अर्थात शुद्ध पवित्र क्लीन विद क्लीन माइंड, डर्टी माइंड लेकर के नहीं, कि डाउट लेकर के नहीं, संशय लेकर के नहीं, पता नहीं तो अपनी बता रहे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उसने ऐसा कहा उसने, क्लीन माइंड लेकर के उनके सामने बैठ करके आचार्य उपासनम शौचम आत्म विनिग्रह, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके थोड़े समय सत्संग के सामने बैठ करके, खाना पीना भी चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर फिर दूसरे संगीत आकाशवाणी भी चल रही है, फोन भी चल रहा है, ऐसा नहीं, थोड़े समय कंट्रोल करके आत्म विनिग्रह, निग्रह करके, होल्ड ऑन राइट, और विनिग्रह मतलब स्पेशल अच्छी तरह से कंट्रोल करके, कि आत्मा से अपनी ताकत से अपने अंदर से, ऐसा उल्लेख आता है भगवद गीता में गुरु के लिए 13वें अध्याय में, और फिर उससे भी और आता है पूरा, ये तो आधा श्लोक था, और एक पूरा श्लोक कृष्ण डिवोट्स टू गुरु उपासना इन द 4th चैप्टर, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का 4th अध्याय, इसमें 34वां श्लोक 33, 34, 35 आर वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड श्लोक स्पेशली फॉर दोज जो गुरु के साधक है, कि द नंबर 34 चौथे अध्याय 34वां श्लोक इज एग्जैक्टली अबाउट गुरु का महत्व, उसमें कहते तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ये 34वां श्लोक है, उसके पहले जो आता है 33वां श्लोक, उस समय तक भगवान बता रहे ये यज्ञ होता है, वो यज्ञ होता है, कोई आग लगा कर यज्ञ करता है, कोई प्राणायाम से यज्ञ करता है, कोई उल्टा करके यज्ञ करता है, फिर उपवास खाना पीना छोड़ के यज्ञ करता है, अपनी अपनी मर्जी से जिसको जैसे लगे, लेकिन वो हर सब यज्ञों का फल मिलके सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ, 33वें अध्याय श्लोक में कहते हैं 33rd में भगवान कहते वो सब ठीक है, दिस गॉड कृष्ण किसी को बुरा नहीं कहते, सब अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, बट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर माई डिवोटी अर्जुन आई टेल यू द बेस्ट इज ज्ञान यज्ञ, जो विचार पूर्वक हो, थिंकिंग हो, अपनी अकल जो मिली है अपनी अकल तो उसका उपयोग करे, है ना, सो ज्ञान यज्ञ जो करे वो जल्दी 5000 साल पहले भगवान ने कहा एफिशिएंटली पा जाएगा, है ना, तो फिर वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हम कैसे पता चले कि क्या सही है, विवेक कैसे है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, टेम्पररी क्या, परमानेंट क्या है ना, क्या रहेगा, क्या टिकेगा, क्या नहीं रहेगा, नहीं ये कैसे पता चले, ज्ञान चाहिए ना उसके लिए, तो इसके लिए कहते ज्ञान के लिए तो तुम्हें भैया गुरु के पास जाना पड़ेगा, 34वें अध्याय में कहते छठ श्लोक में कहते तद विद्धि प्रणिपाते न, क्योंकि प्रणिपात मतलब गिर जाना उनके सामने, दंड की नए दंडा डंडे की नए गिर के मतलब सुखिया एकदम अपनी ह्यूमिलिटी रख करके अपनी कोई बड़पन्ना रख करके प्रणिपात करके तद विधि पूर्वक, ऐसे नहीं कैसे भी उनके सामने चले गए बैठ गए जैसे तैसे बात कर ली प्रश्न पूछ लिया एज इफ इट्स शी इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसी ऐसे नहीं विधि पूर्वक अपने से बड़ा मान कर समझ कर न तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, परिप्रश्न मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे एज इफ यूर क्वेश्चनिंग ईच अदर, इट्स ओके टू क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू डोंट क्वेश्चन गुरु, लेकिन पूछना तो है फिर परिप्रश्न इनडायरेक्टली पूछे, अब धीरे बड़ा सुंदर उपदेश है भगवान का कि गुरु को पता भी चल जाए कि हम किस विषय में कंफ्यूज है, क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं दृष्टता भी ना हो, ऑडेसिटी ना हो, है ना कि डायरेक्टली क्वेश्चनिंग डायरेक्टली आस्किंग ये कैसे है गुरुदेव, है ना, तो वो हो गया परिप्रश्न तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, सेवा पूर्वक पहले सेवा करके अर्न द राइट, पहले अधिकार प्राप्त करे कुछ उनके सामने रहने का, उनके समय का, है ना, सेवया तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, फिर क्या होगा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो अपने आप झरना बह पाएगा उनके हृदय से, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो ज्ञान मेन जो बात है ज्ञान
ना, क्योंकि वो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तत्व को देखे हुए अनुभव कर चुके सत्य का, उनके आप से झरना अपने आप उठेगा। उपदेश शांति, उपदेश लेक्चर देखिए अपने निकलने इसमें शांति दायक होगा। ऐसा कहेंगे, ऐसी वाणी कहेंगे, इस प्रकार शब्द कहेंगे कि मन में उसी समय सुकून होगा। कल जाके विचार करेंगे तब फिर पता चलेगा ना, उस क्षण मन में शांति, हमारा अनुभव होता है ना जब सत्संग में बैठते हैं, सामने बैठते तो तभी शांति मिलती है, कल जाके नहीं मिलती है। कल तो मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन अभी के नगद नगदी रोकड़ माल कहते हैं ना जैसे, तो इस उसके लिए का उपदेश शांति थे ध्यान। ऐसा ज्ञान देंगे बेटा कि उसी समय ज्ञान तो मिलेगा लेकिन शांति भी मिलेगी, तभी तो उसकी कीमत है ज्ञान की। अशांत कर दे उस ज्ञान की क्या कीमत है ना, कीमती ज्ञान तो वह जो शांत करे। तो उपदेश शांति थे ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन, इस दो जगह पे और भी है लेकिन ये दो तो हमने सुने। शिव जी ने जो कहे वचन शिव गीता में गुरु के विषय में, उस गुरु गीता में शिव जी कहते बात हुए कि मैं ही गुरु रूप में आता हूँ, डायरेक्टली से है ना, ये आखिरी बात कहके विराम देते हैं ताकि अंकल जी बैठने दे थोड़े समय, भोजन तक गाना दे। ऐसे कहा जाता है कि विष्णु भगवान के हमेशा नारायण के हमेशा होते हैं ना, क्योंकि नौ अवतारों के दस कल्कि भगवान आएंगे सबको उड़ा देंगे बुराई को। जी कहते भोले बाबा बैठे रहते कैलाश जाकर के एक लाख लागी समाधि अखंड अपारा, एक लाख वर्ष होते नहीं। फिर शिव जी ने कहा रहस्य खोल दिया, बेटा वो नारायण के तो अवतार युगो युगो में एक बार होते हैं, 5,000 साल बाद 10,000 साल बाद ऐसे इन बैचेस नारायण कम, मैं ऐसा वो ही समय नहीं होता जब शिव जी का अवतार नहीं होता पृथ्वी पर। ये तो बड़ी रहस्य की बात है कि ऐसे कैसे, तो दिखाई तो नहीं दिए, कहते हनुमान जी थे शंकराचार्य थे लेकिन तुम हमेशा होते हो कैसे। कहते जहाँ पर भी एक भी गुरु है वो दूसरा, ऐसा कोई गुरु नहीं था सृष्टि पर पृथ्वी पर, वो गुरु दूसरा कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। जैसे नारायण आएंगे तब आएंगे, उद्धार करेंगे तब करेंगे, लेकिन शिव जी गुरु रूप में अभी विराजमान है। तो इसके साथ इस बात को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, शब्द सुनते हैं। गुरु ऐसी होती है।